संभल मस्जिद विवाद पर सुप्रीम कोर्ट ने अहम निर्देश दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने यह साफ कह दिया है कि निचली अदालत इस पर कोई भी एक्शन ना ले। उत्तर प्रदेश के संभल में मस्जिद के सर्वे को लेकर हुई हिंसा के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अहम निर्देश दिया है। सर्वोच्च अदालत ने कहा कि निचली कोर्ट इस मामले में कोई भी किसी भी प्रकार का एक्शन ना ले। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी स्पष्ट कहा है कि इस मामले में हाई कोर्ट के आदेश के बिना कुछ भी ना किया जाए। हालांकि सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता से यह भी पूछा कि वो सुप्रीम कोर्ट आने से पहले हाई कोर्ट क्यों नहीं गए। दरअसल ये याचिका मस्जिद कमेटी ने दाखिल की थी। मस्जिद पक्ष के ने स्थानीय कोर्ट के सर्वे के आदेश को चुनौती दी थी और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बेहतर होगा हम इसे लंबित रखें। मुकदमे के बाद कहानी गढ़ी जाती है। संभल में मुगल शासक बाबर के युग में बनी जामा मस्जिद पर इस बात को लेकर विवाद है कि यहाँ पहले हरिहर मंदिर था जहाँ पर मस्जिद का निर्माण कराया गया। इसको लेकर हिंदू पक्ष की तरफ से एक वकील ने कोर्ट सर्वे की मांग के साथ स्थानीय कोर्ट में याचिका दायर की थी। बाद में कोर्ट ने सर्वे का आदेश जारी किया जिसको लेकर इलाके में तनाव पैदा हो गया और मुस्लिम समाज ने इसका पुरजोर विरोध किया है। कि सुप्रीम कोर्ट के सामने याचिका दायर की गई थी। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा, सबसे पहले ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने चिंता जताई कि वहाँ पे पीस और हारमोनी मेंटेन रहे और स्टेट ऑफ यूपी की तरफ से जो काउंसिल प्रेजेंट थे उन्होंने कहा कि हम सारी कोशिश और हम पूरा दायित्व पीस और हारमोनी मेंटेन करने का। इसके बाद माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो मस्जिद कमेटी थी जिन्होंने SLP दायर की थी उनको कहा कि आप इस ऑर्डर को हाईकोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं और हाईकोर्ट में जाने का उनको एक लिबर्टी दी है। साथ ही साथ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि 3 दिन के अंदर अगर आप हाईकोर्ट में याचिका दायर करते हैं तो मामला हाईकोर्ट के सामने लिस्ट किया जाए और हाईकोर्ट के फर्दर डायरेक्शंस तक के लिए वेट किया जाए और तब तक के लिए ट्रायल कोर्ट की प्रोसीडिंग रुकी रहेगी जब तक हाईकोर्ट अपना निर्देश नहीं दे देता है। और ये मामला अभी ट्रायल कोर्ट में 8 जनवरी को लगा हुआ है। साथ ही साथ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया है कि जो एडवोकेट कमिश्नर महोदय है वो अपनी रिपोर्ट सील कवर में दाखिल करेंगे।